राष्ट्रीय मीणा महासभा का अधिवेशन रविवार 21 अगस्त को इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर में संपन्न हुआ। जानकारी देते हुए वरिष्ठ कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि इस अधिवेशन में समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा, विशिष्ट अतिथि के तौर पर भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव IAS हुकुम सिंह मीणा, रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव DP सिंह और IAS अधिकारी रामावतार मीणा रहे। समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय मीणा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व IPS वयोवृद्ध समाज सेवी श्रीमान BL मीणा ने की। समारोह में कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट शशि प्रकाश पवड़ी, भरतपुर संभाग अध्यक्ष BS मीणा, इग्नू के क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर कमलेश मीणा, रिटायर्ड CTI और बत्तीलाल मीणा, हरियाणा मीणा समाज के प्रदेश अध्यक्ष हरि नारायण मीणा, मध्य प्रदेश मीणा समाज प्रदेश अध्यक्ष राम स्वरूप मीणा, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष प्रतिनिधि मदन सिंह मीणा, उत्तर प्रदेश के प्रमोद मीणा, दिल्ली से राम सिंह घुनावत, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष लाधू राम जी मीणा, राष्ट्रीय महासचिव PWD XEN हुकुम चंद मीणा कोटा, लाला राम चीता महासभा के कोषाध्यक्ष एडवोकेट PRG मीणा, राष्ट्रीय मीणा छात्र महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहिताश मीणा, राष्ट्रीय मीणा युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान दास मीणा, जोधपुर संभागीय अध्यक्ष मोहन मीणा बांकली, प्रताप सिंह मीणा, रामावतार ठेकेदार रविंद्र सिंपिनी, जितेंद्र सिंह ऊनापुर, सुनील कुमार, मनीष मीणा सहित सभी जिला और तहसील इकाइयों के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर मीणा समाज की वार्षिक स्मारिका पत्रिका का विमोचन कर स्वतंत्रता सेनानी सीकर जिले के प्रसिद्ध मीणा गांव नयाबास निवासी स्वर्गीय हर सहाय जी की जैव को समर्पित की गई और मुख्य अतिथि नमो नारायण मीणा बोलते हुए सामाजिक एकता एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की बात कही। कोषाध्यक्ष ने वार्षिक रिपोर्ट सदन में पेश की। अध्यक्षीय उद्बोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष भंवरलाल मीणा ने कहा कि महासभा विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक संगठन है जो निस्वार्थ भाव से लगातार 25 साल से समाज सेवा में समर्पित है। सदन में संयुक्त रूप से जालोर में घटित घटना की निंदा की, साथ ही सरकार से अपील की कि SC ST पर बढ़ रहे अत्याचारों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और पदासीन करने पर आभार प्रकट किया। सरकारों से बैकलॉग भरने, रिक्तियां निकालने, रोस्टर लागू करने, छुआछूत उन्मूलन सहित कई अन्य मामलों पर चर्चा कर कदम उठाने के लिए कहा गया। मंच का संचालन राष्ट्रीय मीणा महासभा राष्ट्रीय मुख्य महासचिव इंजीनियर गज सिंह मीणा ने की। कार्यकारिणी अध्यक्ष शशि प्रकाश पवड़ी ने सभी आगंतुकों का आभार जताया।